सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए यह उपचुनाव बेहद चुनौती भरा है। उनकी साख दांव पर लगी है, इसलिए डिंपल की जीत के लिए अखिलेश यादव खुद मैनपुरी उपचुनाव की तमाम रणनीति तय कर रहे हैं। सपा अध्यक्ष ने कहा कि डिंपल जी यहां से प्रत्याशी हैं और मुझे विश्वास है कि यहां की जनता ऐतिहासिक वोटों से डिंपल जी को जिताएगी। साफ है कि अखिलेश ने पार्टी नेताओं और समर्थकों के लिए अपनी तरफ से लाइन खींच दी, साथ ही परिवार के लोगों को भी साफ संदेश दे दिया कि यह चुनाव कई मायने में यादगार होगा और डिंपल की राह आसान बनाना सबकी जिम्मेदारी है। डिंपल यहां से प्रत्याशी हैं और मुझे पूरा भरोसा है यहां की जनता एक बार फिर और जिस तरीके से हमेशा साथ दिया जनता ने, नेताजी के नाम पर इस चुनाव को ऐतिहासिक वोटों से जिता करके जनता भेजेगी। ताकत परिवार की, भरोसा जनता का और ऐलान उन तमाम समर्थकों के नाम जो मुलायम के मैनपुरी के किले को लाल कब्जे में कायम रखने के लिए हर मुमकिन मेहनत करने की कसमें खा रहे हैं। आज जो कि डिंपल भाभी जी का नामांकन है, हम लोग नामांकन में शामिल होने के लिए बांदा से चल के आज सफाई आए हैं और भारी मतों से अपनी डिंपल भाभी जी को विजय बनाने की ईश्वर से कामना करते हैं और क्षेत्रवासियों का भरपूर सहयोग और प्यार मिल रहा है। महिला संगठन की सफाई नहीं, सफाई का नाम पूरे हिंदुस्तान और विश्व में एक नारी सशक्तिकरण, भारतीय लोकतंत्र में जो आस्था की एक पहचान है, श्रीमती डिंपल जी लड़ रही हैं। सियासत में डिंपल यादव का सफर कहने को तो साल 2009 में शुरू हुआ था। उस साल अखिलेश यादव ने कन्नौज और फिरोजाबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था, दोनों पर अखिलेश की जीत हुई थी। बाद में अखिलेश ने फिरोजाबाद सीट छोड़ने का फैसला किया। इसके बाद हुए उपचुनाव में फिरोजाबाद सीट से डिंपल यादव को मैदान में उतारा गया, लेकिन डिंपल कांग्रेस के राज बब्बर के हाथों हार गई। डिंपल ने इसके बाद 2012 में कन्नौज लोकसभा सीट पर उपचुनाव लड़ा और निर्विरोध जीत हासिल की। दरअसल ये सीट अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद खाली हुई थी। डिंपल के नाम निर्विरोध जीतने का अनोखा रिकॉर्ड दर्ज हुआ। दरअसल आजादी के बाद वे देश की 44वीं और उत्तर प्रदेश की चौथी ऐसी नेता थी जो निर्विरोध जीती थी। वहीं यूपी से निर्विरोध लोकसभा पहुंचने वाली वो पहली महिला थी। सबसे दिलचस्प तो ये है कि उपचुनाव में डिंपल के खिलाफ उम्मीदवार खड़े नहीं करने पर घिरी भाजपा ने तब सफाई देते हुए कहा था कि उसके प्रत्याशी की ट्रेन छूट गई थी, इसलिए वो कन्नौज उपचुनाव का पर्चा दाखिल नहीं कर सका। डिंपल ने दूसरी बार 2014 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल कर लोकसभा का सफर तय किया। वो साल मोदी लहर का था। बदलाव की लहर पर सवार होकर आई भाजपा ने यूपी में विरोधियों का सफाया कर दिया था। 16वीं लोकसभा के इस चुनाव में भगवा सुनामी चली थी। इसमें समाजवादी पार्टी सिर्फ 5 सीटों पर ही जीत पाई। इनमें एक सीट कन्नौज की भी थी, जहां से डिंपल यादव ने 19,900 वोट से जीत हासिल की थी। इसके बाद आया 2019 का साल। इस लोकसभा चुनाव में डिंपल ने फिर से कन्नौज सीट से पर्चा भरा। तब वो सपा बसपा गठबंधन की साझी प्रत्याशी थी, लेकिन इस बार भाजपा ने उनके खिलाफ ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया जिसे सपा भेद नहीं सकी। भाजपा के सुब्रत पाठक ने डिंपल यादव को 10,000 से भी ज्यादा वोटों के अंतर से हरा दिया। आज भी डिंपल को सपा की तरफ से मैनपुरी उपचुनाव में उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर सुब्रत पाठक सपा पर तंज करने में काफी मुखर दिखते हैं। समाजवाद के नाम पर बना राजनीतिक दल पहले हुआ जातिवादी, फिर जातिवादी से हुआ परिवारवादी, क्योंकि एक ही परिवार में कितने सारे पद थे सबको मालूम है, बेटा मुख्यमंत्री, भाई कैबिनेट मंत्री, राज्यसभा सांसद भाई, तो ये सब देखा था, सांसद विधायक एक ही घर में कितने सारे थे। और फिर उसके बाद जब नंबर आया मुलायम सिंह जी को हटने का, तो फिर उसके बाद में बेटा ही सामने आया। डिंपल के सियासी करियर के लिहाज से मैनपुरी की ये लड़ाई बेहद अहम है। इस बार वो पहले से भी ज्यादा सुरक्षित सीट से मैदान में है, लेकिन इस सीट के सुरक्षित होने की एक शर्त ये है
कि पूरा मुलायम परिवार एकजुट रहे। इसलिए सबकी नजरें शिवपाल यादव पर टिकी हैं कि आखिर वो चुप रहेंगे या फिर खुलकर बहू के समर्थन में प्रचार करेंगे या फिर विरोध करेंगे। फिलहाल इस सवाल का जवाब खामोशी के साए में छिपा है। एबीपी गंगा के लिए मैनपुरी से नितिन उपाध्याय के साथ वीरेश पांडे की रिपोर्ट। मैनपुरी से आज कई खास तस्वीरें आई। हर तस्वीर में एक संदेश छिपा था। डिंपल यादव नामांकन से पहले जब मुलायम सिंह यादव की समाधि पर उन्हें नमन करने पहुंची तब की एक तस्वीर सुर्खियों में शुमार हो गई। इसमें मुलायम की तस्वीर के पीछे अखिलेश और डिंपल हाथ जोड़कर खड़े थे। इसके कई मतलब निकाले जा रहे हैं। विरासत की सियासत को लेकर इससे कई संकेत सामने आ रहे हैं। आने वाले वक्त में समाजवादी सियासत के केंद्र में अखिलेश यादव के बाद दूसरा चेहरा कौन होगा? मुलायम सिंह यादव की सियासी विरासत का खेवनहार कौन होगा? इस तस्वीर से संकेत बिल्कुल साफ है। यूं तो अखिलेश यादव ने खुद को पहले ही समाजवादी सियासत के शीर्ष पर स्थापित कर दिया था। अब मैनपुरी संसदीय सीट से डिंपल यादव की दावेदारी ने साफ कर दिया है कि आने वाले वक्त में सैफई परिवार के सियासी कैनवस के पावर सेंटर में तस्वीर किसकी होगी। संकेत और संदेश बिल्कुल साफ है। नेताजी नहीं, इस समाजवादी पार्टी को जहां बनाया, अपना खून पसीना लगा करके यहां के कार्यकर्ता नेता उन्हें नेताजी का साथ दिया। नेताजी ने जो रास्ता दिखाया राजनीति में और मैनपुरी के विकास को जो आगे बढ़ाने का काम किया है, हम भरोसा दिलाते हैं समाजवादी लोग कि उस भरोसे को टूटने नहीं देंगे। मैनपुरी ने नेताजी को पहचान दी और नेताजी ने मैनपुरी को पहचान दी। नेताजी का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैनपुरी की जनता का आशीर्वाद भी समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा आने वाले चुनाव में। मुलायम सिंह यादव की विरासत को बचाने के लिए डिंपल यादव को समाजवादी पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है और आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि डिंपल यादव नॉमिनेशन के लिए इस समय कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद नजर आ रही हैं। उनके साथ जो पूर्व सांसद हैं तेज प्रताप सिंह यादव, वो मौके उनके साथ चल रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि डिंपल यादव प्रॉपर पूजा पाठ करने के बाद नॉमिनेशन के लिए पहुँची हुई हैं। उनके मस्तक पर जो तिलक नज़र आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि समाजवादी पार्टी ने काफ़ी सोच विचारने के बाद ये फैसला लिया है। देखिए, मैनपुरी का महासमर मुलायम सिंह यादव की सियासी विरासत की जंग है। ये बात अखिलेश यादव और डिंपल यादव दोनों बखूबी समझते हैं और शायद यही वजह भी रही कि नामांकन से पहले जो तस्वीर सामने आई वो नेताजी के समाधि स्थल की थी, जिसमें आगे दिख रही थी मुलायम सिंह यादव की तस्वीर और पीछे इसके साए में हाथ जोड़े नजर आ रहे थे अखिलेश और डिंपल। ये अकेली तस्वीर सैफई की सियासी विरासत की हर अटकलबाजी का जवाब है। अखिलेश यादव ने यही संदेश डिंपल यादव के नामांकन के बाद भी दिया। डिंपल यादव के नामांकन के बाद अखिलेश यादव मीडिया से मुखातिब हुए तो जुबा पर नेताजी के संघर्ष और मैनपुरी के विकास की कथा थी, नेताजी के निधन की व्यथा थी। ये चुनाव मैनपुरी का उन परिस्थितियों में होने जा रहा है जब नेताजी हमारे बीच में नहीं है। नेताजी और इस क्षेत्र की जनता से सीधा सीधा लगाव रहा है। आज जब नेताजी बीच में नहीं है, मैं मैनपुरी की जनता से यही अपील करना चाहता हूं कि नेताजी के जो बताए हुए रास्ते पे हम सब चलेंगे। मैनपुरी से मुलायम सिंह यादव का रिश्ता पुराना है। मुलायम सिंह यादव 1996 में मैनपुरी संसदीय सीट से पहली बार सांसद बने। इसके बाद से मैनपुरी सीट पर समाजवादी पार्टी की साइकिल की रफ्तार कभी नहीं थमी। मैनपुरी सीट से चेहरा किसी का भी रहा, लेकिन पर्दे के पीछे नेता मुलायम सिंह यादव ही रहे। इसका जिक्र अखिलेश यादव ने डिंपल यादव के नामांकन के बाद बार बार किया। डिंपल यहाँ से प्रत्याशी हैं और मुझे पूरा भरोसा है
यहाँ की जनता एक बार फिर और जिस तरीके से हमेशा साथ दिया जनता ने, नेताजी के नाम पर इस चुनाव को ऐतिहासिक वोटों से जिता करके जनता भेजेगी। डिंपल यादव के कंधों पर मैनपुरी से मुलायम सिंह यादव के मजबूत रिश्ते और लगाव को आगे ले जाने की जिम्मेदारी है, जबकि अखिलेश यादव के कंधों पर मुलायम सिंह यादव की विरासत को संजोते हुए समाजवाद को सियासत के शिखर पर स्थापित करने की जिम्मेदारी है, जिसकी राह मैनपुरी से होकर गुजरती है, जो ये तय करेगी कि आने वाले वक्त में समाजवादी सियासत के फलक पर अखिलेश के साथ डिंपल यादव की भूमिका कितनी चमकदार होगी। एबीपी गंगा के लिए मैनपुरी से नितिन उपाध्याय के साथ वीरेश पांडे की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।